उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न नेताओं को रैली के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहां पहुंचेंगे। इन रैलियों के जरिए पार्टी पूरे देश भर में संदेश देने का प्रयास करेगी। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रामनगर और रुड़की में प्रस्तावित स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की रैली के लिए दोनों जगह 1-1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। हमारा प्रयास है कि दोनों सभाओं में 1 लाख तक की भीड़ जुटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे।